आज मैं इस प्यारे बच्चों को बहुत बहुत आशीष आशीर्वाद देना चाहूँगी। और प्रीति अर्पिता जी, और यहाँ जो CSR जो इस तरह से आपको सारा मंच प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, गुरु जी सर, आप रियली ये लाइफ का एक अलग सा अनुभव आज रियली मुझे आज फर्स्ट विजिट ही मेरी शुरुआत ही हुई है, फर्स्ट डे, लेकिन मेरा शुरुआत इतनी अच्छी की है मेला वालों ने मेरी, मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी बच्चों से मिलकर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरा लाइफ का ड्रीम है कि हम अपने लिए तो ओके, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम लोग कभी ना कभी कुछ ना कुछ करें। और आज मुझे इतनी खुशी भी है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ जिस जोश से आप लोग बैठे हो, खास कर सारी लड़कियाँ, और सबसे अच्छा लगा वो कमला जी ना, कमला तिवारी, वाओ इतना अच्छा लगा, एक इतना अच्छा शायर भी बोल गया हम लोग, वो इतनी अच्छी लगा कि देखिए साथ साथ में आपका ओवरऑल जो समझ में आया आपका कॉन्फिडेंस, इन सब चीज़ों के बीच में मुझे जो समझ में आया आपका कॉन्फिडेंस लेवल, तो आप जिस जोश से ऐसी जगह रह के जिस जोश और रियली जो रियली फ्यूचर के लिए आप लोगों के लिए आने वाले भविष्य के लिए आप बहुत अच्छे नागरिक तो साबित हो ही रहे हैं, देशवासी बन ही रहे हैं, लेकिन जो पर्सनल इंडिविजुअल आप अपने अंदर एक तराश रहे हैं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए आप लोग जो अथक प्रयासरत कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में आप जो बनने के लिए निकले हो, जो ड्रीम है आप लोगों का, भगवान करे और बेला तीन और सारे सभी मिले, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल नहीं, आपका एक डेफिनेटली आप बहुत बड़ा, आपका 80% रोल है तो बाकी 20% है, तो इसके सबसे बड़ा आप बच्चों बहुत बहुत आशीर्वाद जिस राह पे आप निकले हो। आप लोगों ने अभी कहा पेपर टफ था, लाइफ टफ है, हर दिन कुछ ना कुछ एग्जाम है बच्चों, जो जिस क्षेत्र में आपको नॉलेज है और जहाँ फिजिकल ट्रेनिंग है, और मैं देख रही थी सर जिस तरह से डेफिनेटली गुरु का बहुत बड़ा रोल होता है, कोच बहुत बड़ा लाइफ में वो है, और उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके तरीकों में दिख रहा था कि आपके लिए कुछ कर गुजरे, तो थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से बच्चों को जिस तरह से बच्चों के अंदर अपना कॉन्फिडेंस सबसे पहले भर रहे हो और उसके बाद आगे पहुंच रहे हो बच्चों को लेके, तो मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और बच्चे और सबसे अच्छा लगा जहाँ तक इस बिटिया की शादी हो चुकी है, तो इसने नाम लिया नहीं लिया लेकिन बहुत बड़ा रोल है इसके हस्बैंड का, क्योंकि घर वाले साथ देते हैं तभी लड़कियाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस समाज से जुड़े हैं कि आफ्टर मैरिज एक बॉन्डिंग आ जाती है, हम सारी चीज़ें सोचने लगते हैं, तो मैं बहुत आशीष दूंगी, बहुत बहुत बधाई दूंगी कि इस परिवार में वो गई है, जिस परिवार ने इसे मौका दे रहे हैं, और उसका खुद का जो जुनून दिख रहा है कुछ करने का, बहुत अच्छा बोला बेटा आप लोगों ने बहुत अच्छे से, और आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ अच्छे बनो, मेहनत करो, ज़िंदगी ये है, ज़रूरी नहीं है आज के तारीख में कि ओनली पढ़ाई इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे तो बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत सी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप, और आज मैं देख रही थी क्योंकि ये एरिया ऐसा होता है डेफिनेटली सिटी नहीं है, चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म्स कम है, कुछ ना कुछ करने के लिए आप सोचते हो लेकिन वो कर नहीं पाते, हर इंसान को वो चीज़ नहीं मिल पाती, जो चीज़ मिली है उसमें अपने आप को एक्सेल कैसे करो वो मैं आज आप लोगों के चेहरे से देख रही हूँ कि आप लोगों ने इसमें फॉर्म भरा, आप लोगों ने वो पोस्टर पढ़ा, बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने वो पोस्टर देख के भी वहाँ से गुजर गए होंगे, आप लोगों ने पढ़ा, फॉर्म भरा, आप उसमें अपने आप को सफल हुए, और आप लोगों ने अपने आगे जो भी है, तो आज मैं देख रही थी सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल मोबाइल की दुनिया, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम घर बैठ के ही सोचते हैं बहुत कुछ कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत कम हो गई है सर, तो मैं आपसे चाहूँगी कि और ऐसी चीज़ों को जोड़िए, बच्चों को और लाइए, कुछ ना कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म करिए कि जहाँ बच्चे फिजिकल एक्टिविटी और अपनी डेवलप करें, क्योंकि वो आज के तारीख में बहुत ज़रूरी है। कल मैं टीवी में वही देख रही थी कि आज के तारीख में सबसे ज़्यादा अगर आने वाले टाइम में बीमारी डेवलप होने वाली है तो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी, और वो घर बैठने से, और ये जब फिजिकल एक्टिविटी हम हर इंसान करने लगते हैं, बाहर इंट्रैक्शन बढ़ता है, लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ये चीज़ पहले कभी सुनी नहीं थी, ये डिप्रेशन वर्ड क्या है, एंजाइटी वर्ड क्या है, आज ये सब आम लगने लगा है, तो बच्चों बहुत आगे आइए, अपने हर मिनट को यूटिलाइज करिए, फिजिकल करिए, माइंड पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूरी है, योगा बहुत ज़रूरी है,
फिजिकल फिटनेस और हेल्थ बहुत बहुत जरूरी है बच्चों। किस परिस्थितियाँ उनको पीछे कर देती हैं, या तो फिर पढ़ाई तो ठीक ही है, उनको मौका भी तो मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। मैं बहुत आभार देना व्यक्त करना चाहती हूँ इस अल्ट्राटेक कंपनी का, तहे दिल से मेरा आभार है कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो करने का जुनून तो है लेकिन कर नहीं पाते, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है कि वो कुछ कर सकें। मुझे भी करने का मेरा बचपन से जुनून था लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मौका नहीं मिल रहा था। फिर मेरी शादी हो गई, कम उम्र में ही मेरी शादी हो गई, पेरेंट्स का सपोर्ट था लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। फिर शादी हुई, उसके बाद अचानक ही मुझे यहाँ बाहर गेट के बाहर बैनर दिखा जहाँ पे ये सारा कुछ मुझे पढ़ने को मिला। फिर ये हुआ कि आपको एग्ज़ाम देना है, क्वालिफाई करना है, था कंपटीशन लेवल था, अच्छा खासा था, लेकिन मैंने किया, मैंने हार नहीं मानी, भले शादी हो गई तो क्या हुआ। तो ये तो ठीक था लेकिन अब क्या है, मुझे कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे सर लोग हैं वो हमको पढ़ाई का तो है ही, एजुकेशन लेवल अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं, उसके अलावा ग्राउंड भी, उसमें हमारा फिजिकल ट्रेनिंग होती है, डेली रनिंग होती है, रनिंग करना, उसमें पुशअप्स है, पुलअप्स है, बीम हो गई और हाई जंप, लॉन्ग जंप, हर तरह की फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, तो वो सब हमको ट्रेनिंग दी जाए। रनिंग तो सब कर लेते हैं लेकिन किस तरीके से करना है, क्या हमको डाइटिंग लेनी है, क्या क्या हमको चाहिए, वो सब जब हमको गाइडेंस मिलेगा तब तो हम जाके कुछ कर सकते हैं ना। तब तक तो पढ़ते तो सब है लेकिन क्या पढ़ना है, क्या एग्ज़ाम में आना है, क्या नहीं आना है, सारा कुछ उसका नॉलेज कौन देता है, हमारे गुरु देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अल्ट्राटेक अगर हमको दे रही, पढ़ तो सारे बच्चे रहे हैं लेकिन उनको सही गाइडेंस भी तो मिलना चाहिए ना कि करना क्या है ना। तो हमको अल्ट्राटेक के द्वारा ऐसे गुरुजी मिले है ना, ऐसे फ्रेंड्स मिले जो सब सपोर्टिव हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, पढ़ाई का भी है प्लस ग्राउंड का भी है। और मैं ये नहीं कहती कि सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, नहीं कहा जा सकता, भाग्य भी ऐसा, किस्मत भी ऐसी चीज़ होती है जो कहीं कहीं पीछे कर देती है ना। तो मेहनत करते रहना है अपन को, और अगर हम नहीं भी कर पाएंगे तो पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती है, और फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें हमारा ही स्वास्थ्य सही रहेगा, हम अपने घर वालों को भी सही रास्ता बताएंगे क्योंकि हमारे पीछे भी हमारे भाई बहन हैं है ना। तो सारी कुछ तो मुझे ओवरऑल सारा कुछ बहुत अच्छा लगा, और मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, ऐसे ही आप सपोर्ट करिए, आगे मैं और लोगों को भी मोटिवेट करूँगी कि ऐसी ऐसी जगह है जहाँ आप कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा टैलेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा पुश करेंगे तो वो खुद ब खुद निखार आएगा।